अगर मिल जाती तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगे, अभी तक तो संघर्ष कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ मुझे टीम फॉरएवर भी नजर आ रही है जो कि यहाँ पर काफी करीब है उनके, यहाँ पर एक अर्ली फाइट हो सकती है। जी फॉरएवर सीधा स्लैमिंग करती हुई, फियर्स के हाथ में एक है, मैन उसको पूरा फायदा उठाया जा सकता है। मे भी यहाँ पर फॉरएवर को पता है कि प्लेयर्स मौजूद है, मैक्सिकस यहाँ पर रशिंग करते हुए एक स्मोक वहां पर ऑलरेडी आ चुका है। क्या सविता यहाँ पर अच्छा कवर प्रोवाइड कर पाएंगे सेंसे के साथ में? यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक अच्छा सा एंगल है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ पंक की, वो पीछे से आ चुके हैं, उनके पास एक ऑफ एंगल है जिसका इस्तेमाल करके वहां पर मैक्सिकस को अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। अभी तो मैच शुरू हुआ है और स्टार्टिंग में ही एक्शन, मैक्सिकस यहां पर अभी के लिए लीड कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन कमांडर है वो बने हुए हैं, जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर रहे हैं और अब ट्रांसफर कर चुके हैं सवितार को। सवितार ने वहां पे शायद पंक को स्पॉट कर लिया, व्हीकल जो है वो आ चुकी है एंड जी पंक जो है वो क्लोज इन कर चुके हैं। मैक्सिकस अपनी माइक्रो उजी के साथ तैयार, फुटस्टेप सभी के लिए देंगे, एफपीपी पे स्विच कर रहे हैं, टीपी पे स्विच कर रहे हैं और वहां पे अगर हम बात करें टीम एक्सो की तो वो भी यहां पे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स कहां पर। इसी बीच यहां पे पंक जो है वो शुरुआत करते हुए इस मैच की, सवितार को करेंगे डाउन, लेकिन पंग भी डाउन करेंगे, मैक्सिकस को वापस स्पॉट करके डाउन कर दिया इमॉर्टल ने। टीम एक्सो यहां पर अभी के लिए सेफ, मुश्किल स्थिति में टीम फॉरएवर, बिकॉज़ अब यहां पर बैक ऑफ करने का, रिट्रीट करने का फैसला कर लिया सविता जो है, उनको यहां पर इजीली कंफर्म कर लिया जाएगा। टीम फॉरएवर मेरे ख्याल से यहां पर खो देगी अपना पहला खिलाड़ी। जी हां बिल्कुल, टीम फॉरएवर की जो कल की शुरुआत थी रैंगल पे, वो यहां पर मुझे थमती हुई नजर आ रही है क्योंकि टीम एक्सो ने लगा दिए उस पे ब्रेक्स, दो फिनिशेस यहाँ पर निकालते हुए। बट तारीफ करनी होगी जिस तरह से इसको यू नो खेला है, जो अगर मैं बात करूँ वेस की, थोड़ा सा दूर रह गए थे एंड वो थोड़ा सा लेट आए। फ्रैंकी के पास एक अच्छा एंगल था, बहुत बेहतरीन रेड डॉट एकेएम का स्प्रे आया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका फायदा ज्यादा नहीं मिला क्योंकि रिवाइवल वहां पर आ चुका।